हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 11th of June 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स का हमारा सोर्स रहने वाला आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज भी। रिगार्डिंग द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में एज यूजुअल हर रोजों की तरह बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप अगर एडमिशंस लेना चाहते हैं भद्रा एस अकेडमी में तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारा वेबसाइट www.bhadraesacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हो। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। मॉनसून ऑन ट्रैक, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्न किया हैवी रेनफॉल आने वाले समय में अरुणाचल, असम और मेघालय में होने वाला है। नाउ दोस्तों अगर आपने ये बेसिक्स चीज़ें, तो शायद जब भी मैं कोई चीज़ें डिस्कस करता हूँ ना, मैं यह चीज़ ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे दैट आपने बेसिक्स चीज़ें पढ़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून, राइट? मॉनसून के बेसिक्स तो आपको पता होंगे, है ना? अब बेसिक्स में हम लोगों ने ये चीज़ देखा है दैट ओवरऑल 9th-10th June को दस्तक देती है मॉनसून टेक्निकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राइट? है ना, जहाँ पर वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ वेस्टर्न घाट में सबसे पहले मॉनसून की बारिश होती है, उसके बाद वो प्रोसीड करती है डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में। चलो दैट इज़ अ मैटर ऑफ ज्योग्राफी पर से, है ना, उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। बट अब यहाँ पे क्या बोला गया है दैट आने वाले समय में अभी जो मॉनसून प्रोसीड कर रही है अरुणाचल, असम, मेघालय, ये कुछ कुछ ऐसे राज्य है। वैसे तो मेघालय का आपको पता ही है दैट बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट? मौसिनराम ले लो, चेरापूंजी ले लो, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट अरुणाचल असम में भी बहुत ही ज़्यादा आने वाले समय में होने वाली है, ऐसे IMD ने क्लियरली बोल दिया गया है। एक मीटिंग जरूर कंडक्ट किया गया था जहाँ पे बोला आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा। ध्यान से देखना, अब एक सोचो, एक रीजन में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई ना, तो उसको, उस फिनोमेना को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में हम बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश के केस में बोला जा रहा है कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर 204.5 mm ऑफ रेनफॉल हो सकती है ऑन June 10 से June 11 के बीच में, और असम और मेघालय में आने वाले 5 दिनों में बहुत मूसलाधार बारिश होगी। ठीक है, अगेन इनका डेटा 100% नहीं दिया गया है, बट आप जान मान के चलो दैट हाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। मॉनसून अकाउंट्स फॉर अराउंड 70% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल। हम पूरा देश का अगर देख लीजिएगा ना, 70% जो पानी आता है, राइट, तो वो मॉनसून के थ्रू ही आता है, और अनडाउटेडली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के लिए तो मॉनसून कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे आप अंदाज़ा ज़रूर से लगा सकते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लास्ट मंथ में ये भी बोला था दैट साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो आने वाले समय में नॉर्मल होने वाला है। इनफैक्ट नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। अगर आप लास्ट 50 ईयर्स एवरेज देख लीजिएगा ना, तो लास्ट 50 ईयर्स मतलब अभी से 2020 से पास्ट में 50 ईयर्स का अगर एवरेज एनुअल रेनफॉल पूरा इंडिया की अगर बात करूँ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की नहीं, लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अगर देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट यहाँ पे जब भी IMD डेटाज निकालती है ज़्यादातर पूरा इंडिया वाइज, मतलब रीजनल डेटा वो अलग होता है, ठीक है, बट यहाँ पे पूरा इंडिया के बेसिस में बोला गया, तो 87 सेंटीमीटर रेनफॉल जो एनुअली एवरेज है लास्ट 50 ईयर्स का, बट अभी के समय में बोला जाता है दैट उससे ज़्यादा ही पूरा देश में बारिश होने वाला है। ठीक है, यह है IMD का लोगो, है ना। नाउ सवाल आपको यह भी होगा दैट इन लोग को पता कैसे चल जाता है जी बारिश ऐसे होता है। देखो ऑफकोर्स हमारे सैटेलाइट्स के मदद में, राइट, हमारे बहुत ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू ये पता किया जाता है। कमेंट सेक्शन में लिख पाइएगा ऐसे कौन कौन से सैटेलाइट्स है, है ना। चलिए तो चलिए ये टेस्ट हो जाएगा आपके लिए। बट सैटेलाइट्स में क्या क्या होता है ना दैट उन्हें पता चलता है दैट हाँ विंड का डायरेक्शन किधर है, राइट? और अभी तो अनडाउटेडली साउथ वेस्ट मानसून ही हमें देखने को मिलता है, जिसका दो ब्रांचेस होता है, एक है अरेबियन सी ब्रांच, एक है बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच, है ना। तो अभी जो हिट कर रहा है ना वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला जो ब्रांच है वो वाला हिट कर रहा है। अगर आपको ऐसे, हाँ चलो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लेकिन ध्यान देना ऐसे मैंने कोई टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन ज़रूर से देखा था, और इनफैक्ट मैं भी अगर आपका क्वेश्चन फ्रेम आउट करूँ ना, आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा बहुत रहा है इसमें, तब तो आपको पता चलेगा। इसी टाइप के छोटे मोटे चीज़ों का ऐसे घुमा के पेश किया जाएगा आपको, जिससे कन्फ्यूज़ कर जाओगे, बट हाँ आप मत कन्फ्यूज़ करना। जैसे अगर बोले दैट असम में या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है मेजर मानसून जो है वो मानसून का पानी जो होता है वो इसलिए होता है ड्यू टू द अरेबियन सी ब्रांच, सो दैट विल बी रॉन्ग, ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून के कारण होता है। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट दोस्तों, कल का ये आर्टिकल छूट गया था तो आई थॉट दैट नहीं यार छोड़ने से तो नहीं चलेगा, है ना, ऑफकोर्स इसको कवर कर लेते हैं। असम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल था प्रीलिम्स, आप इसको जरूर से, ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में। सेंसस कंडक्ट किया जाएगा राइनोस पॉपुलेशन का,
ऐसा असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्लियरली वेडनेसडे को अनाउंस भी किया था। नाउ ये सेंसस जो होने वाला है वो काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में ऑफकोर्स होने वाला है, जो क्या अगेन आपको पता ही है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पता है ना। नाउ आप कभी सोचे हैं दैट सेंसस का गोल क्या होता है? वैसे तो सेंसस में हमें नंबर्स पता चलते हैं दैट हाँ कितने नंबर्स हैं, बट इसका प्राइमरी गोल क्या है पता है? इसका प्राइमरी गोल, लेकिन भीतर में जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, इसका ये है दैट इस सब्जेक्ट जो मैटर है ना, दैट इज ऑफकोर्स राइनो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है ना, तो इसको प्रॉपरली अंडर, देखो आप लोग पढ़े लिखे यूथ हो, ठीक है, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग लेवल इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बट आप खुद सोचो वहाँ पे फॉरेस्ट में ऐसे बहुत जैसे फॉरेस्ट गार्ड्स काम करते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी काम करते हैं जैसे यू नो टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो बहुत समय क्या होता है ना उनको नहीं पता हुआ रहता है उनका उतना ज़्यादा महत्व, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डीप डाइव करना भी एक बहुत बड़ा एम है इस सेंसस का, जिसमें यू नो बेटर अभी ऑफकोर्स एक इस सब्जेक्ट मैटर को और भी भीतर से समझेंगे जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, राइट, जिससे आने वाले समय में राइनोस का इंपॉर्टेंस तो समझेंगे ही, बट साथ ही साथ उसको प्रोटेक्शन कैसे करना है, उसको सेफ्टी कैसे पहुंचाना है, वो सब भी इंश्योर किया जाएगा। इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जहाँ पे डिफरेंट रेंजेस हैं। अगर आप काजीरंगा गए होंगे तो आपको एक पता होगा वेस्टर्न रेंज, सेंट्रल रेंज है ना, नॉर्दर्न साउदर्न ऐसे कुछ कुछ रेंजेस है, ठीक है, तो अलग अलग रेंजेस में जो है ना एलिफेंट सफारी को 3 दिन के लिए बंद रखा जाएगा और साथ ही साथ जीप सफारी को डिफरेंट रेंजेस में डिफरेंट डेट्स में बंद रखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो ये वेस्टर्न रेंज है, ठीक है, और वेस्टर्न रेंज में 13 तारीख को सेंसस कंडक्ट होने वाला है, तो ठीक है वहाँ पर जीप वाला जो सफारी है वो बंद कर दिया जाएगा 13 तारीख को, ठीक है, फिर 14 तारीख को सोचो यहाँ पर होने वाला है नॉर्दर्न रेंज में, तो 14 तारीख को यहाँ पर ज़रूर जीप चलेगा बट यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हो बात? तो वैसे अच्छा जीप सफारी मतलब समझे क्या होता है, ये देखो बहुत समय आपने देखा होगा इस टाइप से नेशनल पार्क्स के भीतर लोग जीप लेकर चले जाते हैं, मतलब अपना जीप नहीं रहता, ये सरकार ऑफकोर्स सरकार से ऑथोराइजेशन चाहिए होंगे इसको, ठीक है, तो ऐसे बेसिकली होता है, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ऑफ 2023 लीडिंग ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट। कौन है QS? दैट इज क्वैक रिकली सिमंड्स, है ना, तो इन्होंने रिलीज किया 19th edition अपना, जहाँ पर ये दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो है ना उनको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑफकोर्स GS2 इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, इस टॉपिक से आप इसको डायरेक्टली यू नो इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ ओनली इंटरनेशनल रैंकिंग, जी हाँ दोस्तों, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ना एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल रैंकिंग है जिसको रिसीव मिला है अप्रूवल फ्रॉम इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप। नाउ IREG दैट इज इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप है क्या ये? देखो एक ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली एकेडमिक रैंकिंग और एकेडमिक एक्सेलेंस से लेकर ये डील करती है, जिसको फाउंडेशन कैसे हुआ था, उसका फाउंडेशन इज द रिजल्ट ऑफ कोलाबोरेटिव इनिशिएटिव किस किस के बीच में, बिटवीन द यूनेस्को यूरोपियन सेंटर फॉर हायर एजुकेशन एंड ब्रॉड वैरायटी ऑफ रैंकिंग एक्सपर्ट फ्रॉम डिफरेंट इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इसीलिए क्योंकि इसको IREG का अप्रूवल है तो इसलिए दुनिया भर में ये रैंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, इसके बेसिस पे यू नो रैंक्स डिसाइड किए जाते हैं। एनीवेज नाउ सवाल ये भी होता है दैट किन किन इंडिकेटर्स के ऊपर रैंक किया जाता है भाई? देखो अनडाउटेडली एकेडमिक रेपुटेशन तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही, बट साथ ही साथ एम्प्लॉयर रेपुटेशन, साइटेशंस पर फैकल्टीज या स्टूडेंट रेशियो वहाँ पे कैसा है, क्या वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियोज कैसा है वहाँ पर, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियोज कैसा है, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फाइनली रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें इंडिया में अगर देख लीजिएगा तो इंडिया में IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है वो दुनिया भर में 155th रैंक मिला हुआ है, ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया दैट लेटेस्ट एडिशन में 41 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोजीशन पास्ट से इम्प्रूव किया है, 12 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल है, पास में जो रैंक था अभी भी वही रैंक है, और बट 10 यूनिवर्सिटीज़ जो है ना दोस्तों यहाँ पे वो डिक्लाइन भी कर गए हैं। वैसे इंडिया में अगर देखोगे जैसे मैंने बोला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वो 155th ग्लोबली रैंक करता है और ये ग्लोबल लीडर भी है, पता है किस सेक्टर में, साइटेशंस पर फैकल्टी इंडिकेटर विच QS यूजेस टू इवेल्युएट इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च प्रोड्यूसर्स बाई यूनिवर्सिटीज़।
इनफैक्ट अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें तो यह साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है जो फास्टेस्ट राइज कर रहा है अमंग द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ इन द QS रैंकिंग। ठीक है, IIT बॉम्बे जो कि टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी था QS वर्ल्ड रैंकिंग प्रीवियस एडिशन में, अभी वो सेकेंड बेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशन हो गया है। ठीक है, बट स्टिल सेकेंड बेस्ट होते हुए भी उसने 5 प्लेसेस क्लाइंब किए हैं, है ना। थर्ड बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी कौन है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। फोर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट IIT मद्रास। फिफ्थ इंडियन इंस्टीट्यूट IIT कानपुर। देख रहे हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। इनफैक्ट हाँ, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है ये भी टॉप रैंक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। तो किसी को एडमिशन लेना है भाई बहन को, अगर नई सरकारियों में मिल रहा है तो प्राइवेट के इस इंस्टीट्यूट को आप ज़रूर से फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया, इंडियाज 7th इन FDI इनफ्लो, है ना। इंडिया का रैंक जो है 7th है FDI इनफ्लो में, और ऐसा किसने कहा है, UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक्चुअली रिलीज किया है एनुअल रिपोर्ट जिसको कहते हैं हम लोग वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अपने आप नोट कॉपी में अभी आप लिख लो, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है, UNCTAD। नाउ इस रिपोर्ट को अगर हाईलाइट करके देखें तो देखो, पहली बात तो हेडिंग क्या है, इंडिया 7th है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लोज में। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे डेटा दिए हैं, जैसे बोला गया है इंडिया का रैंक 7th है डिस्पाइट 30% डिक्लाइन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अनडाउटेडली आपको पता है US का फेड टैपरिंग के बाद जो है ना सारे पैसे जो है ऑलमोस्ट इंडिया से उठ के US में भाग रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, उस सिचुएशन में इंडिया का रैंक भले ही इंडिया से बहुत ज़्यादा पैसे गए हैं, ठीक है, बट स्टिल ओवरऑल 7th रैंक कर रहा है। वैसे अगर पैसे गए, अगर मैं बोलूँगा कौन से पैसे गए, वो FPIs के पैसे गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पैसे गए। ठीक है, बट टेक्निकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता था ना, फॉर एग्जांपल पास्ट ईयर में अगर सोचो 100 रुपये आया था तो अभी सिर्फ 70 रुपया ही आया, तो 30 रुपया घट गया ना जी, 30% घट गया ना, वही चीज़ बोला जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन द टॉप रिसिपियंट ऑफ FDI, चाइना और हांगकॉन्ग जो है ना वो सेकेंड और थर्ड पोजिशन में अभी भी मेंटेन है जो कि पहले भी थे। एमंग द टॉप होस्ट कंट्रीज मात्र इंडिया ने ही डिक्लाइन देखा है इनफ्लोज में, बाकी लेकिन जितने सारे कंट्रीज है वहाँ पे ओवरऑल बढ़ा ही है। ठीक है, हाउएवर आउटफ्लो ऑफ FDI फ्रॉम इंडिया रोज 43%। नाउ दिस इज द कॉज ऑफ मेजर कंसर्न, मतलब हमारे देश के इन्वेस्टर्स जो है दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, अपने देशों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। FDI की अगर बात करें है क्या, ये एक इन्वेस्टमेंट है किसके द्वारा, फॉर एग्जाम्पल सोचो आप विदेशी हो, सोचो टॉम क्रूज है ना बहुत पैसे वाले हैं, है ना। अब उनको दिख गया इंडिया, है ना, इंडिया में कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल भद्रा एस एकेडमी, तो उन्होंने लगा दैट नहीं भाई भद्रा एस एकेडमी में चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है एंड फ्यूचर इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, है ना। उन्होंने ऐसा सोचा दैट शायद ये अगर बिजनेस एज अ होल बढ़ेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और भी जुड़ने लग गए तो ऑफकोर्स इट विल इवेंचुअली अर्न सम बेनिफिट फॉर हिम एज वेल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है दैट अगर आप विदेशी हैं और आप अगर कोई भी देश के कोई भी ऐसा बिजनेस या फिर कॉरपोरेशन में पैसे लगा रहे हैं जिससे आपका लंबा इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं दैट आज पैसे लगाए कल पैसे उठा के भाग गए, नहीं, ऐसा नहीं, आज पैसे लगाए आप आज आने वाले 5 साल 6 साल 10 साल को देखोगे, उसके बाद आप देखोगे कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, उसके बाद से यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट। सो उस केस को FDI कहते हैं। विद FDI फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद डे टू डे ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज एज वेल। इनफैक्ट अगर दोस्तों UNCTAD दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करें, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, एस्टेब्लिश किया गया था बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कब, 1964 में, which is again a part of UN Secretariat. Now, ये report किसको करता है भाई? UN General Assembly और Economic and Social Council को. But it has its own membership, it has its own leadership, it has its own budget as well. In fact, it is also a part of United Nations Developmental Group. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Now, सवाल होता है UNCTAD का objectives and roles क्या पता है आपको? चलो अगर पता है तब तो बहुत अच्छा है. अगर नहीं पता है तो चलो फिर से देख लेते हैं. यह सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को टू एक्सेस द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी मोर फेयरली एंड इफेक्टिवली. जी हाँ,
ये बेसिकली इनेबल करता है जितने डेवलपिंग कंट्रीज, ऑफ कोर्स इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री में आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप ले लो, चाइना, सारे डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है दैट उनको कैसे एक्सेस प्रोवाइड किया जाए ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का ज़्यादा फेयरली, ज़्यादा इफेक्टिवली। फेयरली इन द सेंस देखो क्या है ना, दैट अगर आप यूएस वेस्टर्न कंट्रीज देख लोगे, उनको और इंडिया को क्या एक मापदंड में आप तोल पाओगे? नहीं, राइट? दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज ब्रो, वी आर नॉट, वी आर जस्ट इन अ डेवलपिंग स्टेज, ठीक है। सो वही चीज ये सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज को। यही नहीं, इट ऑल्सो मेजर्स द प्रोग्रेस मेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एज सेट आउट इन द एजेंडा ऑफ 2030। इनफैक्ट कौन कौन से रिपोर्ट इनके द्वारा, यूएनसीडीएटी के द्वारा और भी पब्लिश किए जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं दोस्तों। ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट एंड डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट भी यूएनसीटीएडी के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू से ये लिया गया था रिगार्डिंग आईएईए बोर्ड पासेस अ रिजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग ईरान। नाउ आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मीटिंग हुआ था जहाँ पे फाइनली एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें बोला गया दैट ईरान को पूरा फुल्ली कॉपरेट करना पड़ेगा विद यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर को, जिससे इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट किया जा सके ईरान के 3 अनडिक्लेयर्ड साइट में, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट वहां पे शायद न्यूक्लियर मटेरियल ईरान बना रहा होगा, ठीक है। नाउ अभी अचानक से ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ गया भाई, देखो सब कुछ डिस्कस करते हैं, बट पहले तो ये जान लेते हैं एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम के किस जीएस पोर्शन में आपका रिलेवेंट होगा। तो देखो ये GS2 इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स से तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रिलेटेड है ही, क्योंकि इंटरनेशनली जो जो चीज़ें चल रही है वी शुड नो अबाउट दीज फैक्ट्स। नाउ जब भी मैं इस चीज़ों का बात करूँ तो आपके, आपने अगर सीरियस स्टूडेंट कैंडिडेट हो आप, तो मुझे डैम श्योर पता होना चाहिए दैट आपको ये सब तो दिमाग में जरूर चल रहा होगा, इंडिया सॉरी यूएसए और P5+1 और ईरान के बीच में JCPOA जो कंडक्ट किया गया था ये चला होगा, JCPOA में कौन कौन से कंट्रीज से जो के इंक्लूडेड थे, राइट। अब क्या हुआ है दैट अभी जो है ना JCPOA दैट इज जो ईरान न्यूक्लियर डील है वो 100% अभी भी फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन बिटवीन ऐसा शक हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ को दैट शायद ईरान जो है छुप छुप के कुछ ऐसा हुड़दंगपंती कर रही है, ठीक है ना। हुड़दंगपंती क्या होता है, मतलब बिना बोल के अगर न्यूक्लियर मटेरियल अगर आप बना रहे हो तो वो दुनिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा ना। ना आप बोलोगे सिक्योरिटी के लिए कैसे खतरा होगा भाई अगर हम ये बना रहे हैं, तो देखो कैसे नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज ईरान ने बना लिया, ठीक है, चलो सैंक्शंस लगा दिया जाएगा ईरान के ऊपर 4-5 साल के ऊपर, उसके बाद तो हट जाएगा ना। इंडिया के साथ भी तो वही हुआ, पाकिस्तान के साथ भी तो वही हुआ है ना, तो अभी इनके साथ भी वही होगा, ठीक है। अब ईरान का देखा देखी कल को सऊदी अरब भी बनाने लग जाएगी, फिर सऊदी अरब को देख देखी यमन भी बनाने लग जाएगा, यमन को देखा देखी ओमान, सब कोई पूरा दुनिया में अगर न्यूक्लियर मटेरियल ही हो गया फिर तो क्या होगा, थोड़ा स्पार्क सिर्फ चिंगारी लगना बाकी है, उसके बाद तो दुनिया ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। तो दुनिया को भी तो केयर करके चलना है भाई, है ना। तो इसीलिए एनीवेज ये रिजोल्यूशन सबमिट किया गया था यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस, जर्मनी और यूएस के द्वारा, राइट, किसको? IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, जिसको फर्दर बैक किया गया था बाई 30 कंट्रीज। बट आपको समझना पड़ेगा सिर्फ रशिया और चाइना ने इस मूव को अपोज किया है ना। इनफैक्ट ईरान ने तो कंडम ही कर दिया इस रिजोल्यूशन को, दैट कैसे आप हमारा सोवरेनिटी को हर्ट कर रहे हो, कैसे आप हमारे देश में किसी दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भेजोगे बिना हमारे परमिशंस के, ये करके है ना। सवाल होता है दैट ये क्यों मैटर करता है, ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये ना पहला ऐसा रिजोल्यूशन ऑफ इट्स काइंड जिसको लास्ट 2 साल में भेजा गया है, एंड इट कम्स आफ्टर 10 वीक्स। 10 वीक्स किसका? स्टेलमेट ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स जो कि यूएस और ईरान के बीच में हो रहा था, वही JCPOA वाला, है ना। क्योंकि अगेन एम किया था दैट 2015 वाला जो न्यूक्लियर डील है उसको रिवाइव कर सके, क्योंकि पहले बराक ओबामा के दौरान जो है ये न्यूक्लियर डील का प्रपोजल आया था, फिर ट्रंप आ गए, ट्रंप ने सीधा स्क्रैप कर दिया दैट नहीं भाई ये न्यूक्लियर डील फालतू है, हटाओ इसको। फिर दूसरा अभी गवर्नमेंट आई है बाइडेन की, और बाइडेन चाह रहे हैं दैट नहीं भाई ये न्यूक्लियर डील हो जाए ना। कुछ कुछ IAEA के बारे में भी देख लेते दोस्तों, ये वैसे पहले भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा। इसको सेटअप किया गया एज वर्ल्ड्स एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन कब, 1957 में, विथ यूनाइटेड नेशंस फैमिली। रिपोर्ट करती है दोनों, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों को ये रिपोर्ट करती है जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है।
इसका फंक्शन क्या है? ये वर्क करती है मेंबर कंट्रीज स्टेट्स के साथ एंड मल्टीपल पार्टनर वर्ल्ड वाइड इसके हैं, जिसके साथ प्रोमोट किया जाता है दैट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज का दुनिया भर में जो यूजेजेस हो ना वो पीसफुल हो, सिक्योर तरीके से हो और सेफली हो. यही नहीं, इट सीक्स टू प्रोमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज फॉर एनी मिलिट्री पर्पसेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन एज वेल. इसीलिए तो इतना हम लोग देख रहे हैं इसको. नहीं वैसे, नेक्स्ट द हिंदू से लिया गया रिगार्डिंग पार तापी नर्मदा प्रोजेक्ट. नाउ क्यों है ये न्यूज़ में? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर रहे हैं एस्ट्रॉल प्रोजेक्ट को दैट विल प्रोवाइड टैप वाटर टू इतना पीपल जो क्या एक ट्राइबल विलेजेस में है. और ये ट्राइबल विलेजेस कहाँ हैं? गुजरात के वलसाड डिस्ट्रिक्ट. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही विलेज के लोग जो है ना इन्होंने ही प्रोटेस्ट किया था रिगार्डिंग द पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट. नाउ अब प्रोटेस्ट करना वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली दे आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री. ऐसा थोड़ा ना है दैट कोई अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको गवर्नमेंटल फायदा नहीं देंगे. ऐसा थोड़ा ना है. नहीं नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा भाई, है ना. एग्जाम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम स्टोरेजेस, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं. बैकग्राउंड अगर बात करें तो पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट साउथ गुजरात में, इसको स्क्रैप कर दिया गया था रिसेंटली. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया जा रहा था इन ट्राइब्स, विलेज ट्राइब्स पीपल के द्वारा. इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर ही इसको इन्वेसाज किया गया था, पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट को. ऑफकोर्स जब नाम लिंक रिवर लिंक प्रोजेक्ट है तो ऑफकोर्स ये पार एक अलग रिवर होगा, तापी अलग रिवर होगा, नर्मदा अलग रिवर होगा, और इन तीनों को लिंक करना का है. जी हाँ, एब्सोल्युटली. अगर आप ये पता चल गया और आपको ऐसा क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेता हूँ दैट बताओ भाई पार तापी नर्मदा लिंक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है इंडिया के किस रीजन से बिलोंग करता है, तो आप लिख सकते हो. अगर मैं आपको चार ऑप्शंस दूं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, है ना, तो ऑफ कोर्स वेस्टर्न इंडिया ही करेक्ट इसका आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है तापी और नर्मदा रिवर जो है ये वेस्टर्न इंडिया की रिवर्स है. ठीक है, एनीवेज द प्रोजेक्ट प्रपोजेस टू ट्रांसफर रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट टू डेफिसिट रीजन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ ऑफ गुजरात. क्योंकि गुजरात में रिस्पेक्टिवली पानी की कमी है और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स यार ज़्यादा पानी को क्यों ना ट्रांसफ़र कर दिया जाए. बट कभी भी अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा चलता है ना तो उसमें इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो जाते हैं, इसीलिए इन्वायरमेंटल ग्रुप्स वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग इसका प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, एनीवेज इट प्रपोजेस टू लिंक थ्री रिवर्स, जैसे कि मैंने बोला पार तापी नर्मदा. देखो ये क्या है, ये है पार रिवर, देख रहे हो, है ना, ये है तापी रिवर, ठीक है, और यह है नर्मदा रिवर, है ना. अब इस तीनों के रिवर को अगर लिंक कर दिया जाए तो मैक्सिमम पानी को हम लोग इधर भेज सकते हैं और इधर से अल्टीमेटली सौराष्ट्र और कच्छ वाले रीजन में हम इस पानी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ पर पानी की रिस्पेक्टिवली बहुत किल्लत है. ठीक है ना, सवाल होता है बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं भाई इसके कोई भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में इन जनरल. पहली बात तो अगेन यहाँ पे लोग पहले पास पानी नहीं था, अभी पानी आएगा तो ऑब्वियस सा बात है वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी इनहांस तो हो ही रहा है. साथ ही साथ यूटिलाइजेशन जो वाटर का हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाएगा इस रीजन में, डिजास्टर मिटिगेशन प्लान है, ऑफकोर्स बूस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें भी होंगी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. बट एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, इसका जो है ना नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होता है रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के. और मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो जो सीरियस है आप लोगों में एटलीस्ट वही लोग लिखिए, है ना, बट लिखिए दैट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज लिखिएगा. जैसे चलो मैं क्यों बताऊं अभी, ठीक है, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 5 कॉन्सिक्वेंसेज आप लिखो. ठीक है, और है ऐसे देखना ना, जैसे अगर आपके दोस्त ने अगर लिख दिया ना 5 कॉन्सिक्वेंसेज, उसको रिपीटली मत लिखना. ठीक है, उसको इनफैक्ट लाइक कर देना और आपके अगर सोचो दैट हाँ और भी एक दो कॉन्सिक्वेंसेज आप जोड़ सकते हो तो उसी कमेंट में जो रिप्लाई सेक्शन होता है वहाँ पे और भी एक दो कॉन्सिक्वेंसेज जोड़ देना. ठीक है, इससे क्या होता है दैट हाँ आप लोग मिल बांट के आंसर्स को फ्रेम आउट कर रहे हो, है ना, आप दूसरे के आंसर्स भी पढ़ रहे हो. ऐसा नहीं, ऐसा ईगो मत रखो दैट हाँ सामने वाला लिख रहा है तो मैं भी लिख पाऊंगा, ऐसा ईगो नहीं रखते हैं इस एग्जाम में भाई. ये क्लास 11 12th का एग्जाम नहीं है, कॉलेज वाला एग्जाम नहीं है. ठीक है, हाँ मैं ज़्यादा पढ़ लूँगा तो मेरे ज़्यादा नंबर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे मिल बांट के पढ़ना पड़ता है, ये आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ है तो भाई अभी कर लो, दिस इज़ हाई टाइम. ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया था अवेयरनेस इन स्पेस, GS3 के इस टॉपिक से इस रिलेट कर सकते हैं. फास्ट रेडियो बस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एक्चुअली कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है कुछ फास्ट रेडियो बस्ट जिनके कैरेक्टरिस्टिक जो है ना डिफरेंट अदर फास्ट रेडियो बर्स जो होते थे उससे रिस्पेक्टिवली अलग है. ये सब भी शायद पहले आपने पढ़ा भी होगा. एनीवेज फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं. फास्ट रेडियो बर्स का ये नाम है रिसेंटली जो ऑब्जर्व किया गया था ना. बोला जा रहा है दैट अनलाइक अदर फास्ट रेडियो बर्स
ये वाला जो FRB है ना, वो काफी ज्यादा रेडियो वेव्स को एमिट कर रहा है, वो भी फ्रीक्वेंट और रिपीटेड मैनर में। अभी तक जितने भी देखे गए थे ना, वो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट और रिपीटेड मैनर में इतने रेडियो बर्स्ट नहीं हमें देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। सवाल होता है, फास्ट रेडियो बर्स्ट है क्या? ये ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट्स होते हैं। दोस्तों, आपने अपने छोटे में कभी कुछ ऐसा सीरियल देखा होगा, कुछ कार्टून आपने देखा है, या फिर शक्तिमान देखा होगा आपने। शक्तिमान क्या करता था ना, दैट अपने हाथों को ऐसे डाल देता था, है ना, और उसके हाथ से कुछ रोशनी निकलती थी, है ना, और वो रोशनी विलन को जाके लग जाती थी, ठीक है, और वो कीप ऑन वो निकलती रहती थी वो रोशनी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ फास्ट रेडियो बर्स्ट भी बोला जा रहा है इस केस में, जहाँ पर कुछ कुछ कहीं से ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ कुछ एकदम मिली सेकेंड्स के लिए हमें देखने को मिलते हैं, वो वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। नाउ, ऐसा ही जो फास्ट रेडियो बर्स्ट जो है, वो 2007 में पहला देखा गया था, और तब से अभी तक अराउंड 140 से भी ज़्यादा ऐसा ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है। ये तो चलो एक रिप्रेजेंटेटिव है चीज़ है, बट हाँ, ऐसा नहीं होता ऑफ कोर्स, है ना, ये तो जस्ट आपको दिखाने के लिए दिखा गया है ना। सवाल होता है दैट ये कैसे प्रोड्यूस होता है भाई। देखो, एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स हम लोग के लिए तो उतना हाइयर टेक्निकल डिवाइसेस चाहिए होते हैं ये सबको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग तो नहीं कर सकते, बट जो भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्हीं का ये सब काम होता है। उन्होंने सजेस्ट किया था दैट द कैंडिडेट्स फॉर द सोर्स ऑफ FRBs आर द सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स। जैसे सुपरनोवा कोई अगर फटा ना, उसका जो लेफ्ट ओवर जो न्यूट्रॉन स्टार्स है ना, वो बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर मैग्नेटार्स। मैग्नेटार्स भी क्या होता है, ये भी न्यूट्रॉन स्टार्स होता है जिनका अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, मैग्नेटार्स के बारे में ही देख लेते हैं। मैग्नेटार्स की अगर बात करें तो ये टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है। दे आर मोस्ट पावरफुल मैग्नेट्स इन द कॉस्मोस। इनफैक्ट इतना इतना पावरफुल है ना, जो क्या बोला जाता है दैट अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जितना है ना, उससे भी 5,000 ट्रिलियन टाइम्स। ट्रिलियन पता है क्या होता है, कितने जीरो आते हैं पता भी है आपको, है ना, तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन, है ना, तो 5,000 ट्रिलियन टाइम, भाई साहब सोच रहे हो, अर्थ से ज्यादा मैग्नेटिक मैग्नेटाइज होता है ये मैग्नेटार्स, ठीक है। एनीवेज, अगर दोस्तों आपको मैं क्वेश्चन दे दूं, है ना, और मैं ये अभी क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ, मैं लास्ट में सेशन में क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एक रीज़न है बहुत बड़ा। चलो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया दैट एक मैग्नेट, कुछ स्टेटमेंट है जैसे मैग्नेटार इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार, जो क्या बिल्कुल सही है ना। दूसरा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटार्स आर 5,000 ट्रिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन द अर्थ। अब जो जो UPSC वाले कैंडिडेट्स होंगे ना, जो एकदम ताबड़तोड़ पढ़ते हैं UPSC और बोल और मतलब एकदम एक्सपर्ट है आपका जाकर एलिमिनेशन टेक्निक में, वो लोग क्या सोचेंगे दैट अरे भाई 5,000 ट्रिलियन टाइम्स, इस सेंटेंस को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया UPSC ने, शायद ऐसा नहीं होता होगा, और वो लोग इसको रॉन्ग करके आएंगे। बट एज वी हैव रेड दैट यस इट इज़ ट्रू। तो इसीलिए भी हम मैं बोलता हूँ ना दैट भले ही सब कुछ याद मत रखो आप, है ना, बट एक बार एटलीस्ट आँख को अच्छे से उधर से ले जाओ, स्कैन कर लो आप, है ना। यू नेवर नो कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, यू नेवर नो आपको कौन सा नॉलेज कब इम्पॉर्टेंट हो जाए, कैसे उसको तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनीवेज गाइस, अब कुछ कुछ MCQs हम लोग प्रॉपरली देखते हैं, पहले तो कल के MCQs देख लेते हैं, है ना। और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कल का जो लेसन है वो कल अपलोड नहीं हो पाया था, आज अपलोड हो रहा है ना, एंड वी विल मेक श्योर दैट टेक्निकल ग्लिचेस ज़्यादा हमें नहीं है देखने को मिले। बट हाँ, आप लोगों को तो A to Z ज़रूर है, हम लोग ये हमारा दायित्व तो है प्रोवाइड करवाने का, हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। MCQ, सबसे पहला MCQ था रिगार्डिंग लिथियम। लिथियम एक हार्ड नहीं सॉफ्ट था, तो ये पहला ही गलत हो गया, दूसरा तो सही है, ठीक है, तो ऑफकोर्स बी वॉज द करेक्ट आंसर। दूसरा था बिम्स्टेक के रिलेटेड, दैट तीन कंट्रीज था, आपको चूज करना था कौन सा सही ऑप्शन आउट था, दैट बिम्स्टेक में कौन कौन है, अफगानिस्तान पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं है, सार्क में ये सब है, ठीक है, बिम्स्टेक में इसमें से सिर्फ तीनों में से मालदीव्स आता है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस जो आंसर है वो है ए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला है रिवर यमुना ओरिजिनेट्स नियर बांदरपुच पिंक्स, जो एब्सोल्युटली सही है, इट मीट्स गंगा एट द संगम इन प्रयागराज, गलत है क्या, सही है ना, चलो सही है, तो सी वॉज द करेक्ट आंसर। सीक्वेंस जो है BAC है ना, ऑफ कोर्स जैसे कि लेट में ये वीडियो अपलोड किया गया था, तो अभी तक आंसर्स जैसे ये अपलोड हुआ ना, तो वैसे ही मैंने देखा, तो आंसर्स ऑफ कोर्स एक दो मिनट में तो आंसर्स नहीं पूछे जाते हैं, है ना, बट इवेंचुअली एज अ टाइम विल पास बाई तो पीपल विल आंसर दैट। एनीवेज, अभी का क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिपोर्ट्स रिलीज बाई UNCTAD इंक्लूड्स, चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, 1 and 2 ऑनली, 2, 3 ऑनली, 3, 4 ऑनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, IAEA वॉज सेटअप एज द वर्ल्ड्स
एटम फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन कब, 1957 में, विद इन द यूनाइटेड नेशंस फैमिली. दूसरा, इट रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल. आपको बताना है इस पे कौन सा करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू. नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ द अदर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लोज टू द ईस्ट. नाउ आपको बताना है क्यों, और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ा है, राइट. तो ये थोड़ा आउट ऑफ द लीक क्वेश्चन है, बट स्टिल यार 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्यों नहीं आप बनाओगे. बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है ना. पहला ऑप्शन है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुराज. तीसरा है, द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया. चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट, वन ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, नन ऑफ द अबव. नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टूडेज क्लास. वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.